बीते कार्यकाल में घोटाले के आरोप में बर्खास्त किए गए निवर्तमान पार्षद सोहन यादव की पत्नी ने शुक्रवार को पूरे तामझाम और ढोल नगाड़े के बीच अपना नामांकन दाखिल कर एक बार फिर वार्ड 16 के जनता का मत जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि पूरे नामांकन के दौरान समर्थकों का हुजूम फूल माला लिए उनका स्वागत कर रहा था। काम सब बाकी रह गया आपके कार्यकाल में, छूट गया जो आप फिर से आ गए हैं। विकास का विकास काम तो चलता ही रहता है, कहीं निर्माण हुआ तो कहीं उसका जो है सो पूरा भी होता है। तो लगभग हमारे बाद में लगभग सब काम हो गए, सड़क का काम बाकी है जो बचा हुआ है, जो इस पल में अगर आप लोग साथ रहेगा तो हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। और दूसरा हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग जितने भी समुदाय के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, सभी भाईचारा बना के रखें, इसे ही हम लोग का मूल उद्देश्य रहता है। अगर जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता कौन सा काम ऐसा है जिसको करना आपके लिए छूट गया है? वो तो हमेशा से यही रहा है, विकास और भाईचारा ही मेरा मूल उद्देश्य रहता है और वही मेरा प्रमुखता रहता है। इस बार जीतेंगे तो उसी को बढ़ाएंगे, विकास के साथ साथ भाईचारा बना रहे, बड़ा से बड़ा विवाद जो है सो घर में बैठ के समाज में बैठ के सुलझाए, यही प्रयास रहेगा। जनता से क्या अपील करें? सोहन यादव जिंदाबाद। शहर वाले से यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग गंदी राजनीति के शिकार हुए हैं, जिस कारण से आज मैं अपने पद पर पार्षद पद पर नहीं खड़ा हो पाया हूँ। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे कामयाबी होगा और जनता के सामने अपना बात रखेंगे, समाज के सामने रखेंगे, न्यायालय के पास रखे हैं। इसलिए हम यही भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग पर जो आरोप लगा है वो निराधार है और जिसके चलते हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये गंदी राजनीति कुछ व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, साजिश के तहत हुआ है, हम इसका विरोध करेंगे कानून के तहत, नगर विकास के तहत। क्या नाम हुआ अपना? सोहन यादव, वार्ड नंबर 16।